तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी एसिस ब्लॉग। तो ये है रात का समय और चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ आज खाना आसिस बना रहे हैं। तो वो क्या बना रहे हैं मैं आप लोग को ले चलती हूँ, दिखाती हूँ। वो खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, कभी कभी बनाते हैं मगर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। तो आज उन्होंने बोला कि मैं ही खाना बनाता हूँ, तो चलिए मैं दिखाती हूँ वो क्या बना रहे हैं। आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। और इधर ये सब्जी बना रहे हैं आज, क्योंकि ये बोले कि ये खाना बनाएंगे। तो इधर ये बना रहे हैं टमाटर मसाला, उधर आलू और सोयाबीन। तो सब्जी बन जाता है, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ ये कैसा सब्जी बनाए हैं, और इसके बाद चावल। हेलो गाइस, तो ये सुबह का टाइम, तो आप लोगों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और अभी घर में बज रहे हैं, अभी 7 नहीं बजे हैं, 7 बजने वाले, और मैं आई हूँ थोड़ा सा छत पर टहलने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है सुबह में यहाँ पे। मैं आप लोग को बैक कैमरा से दिखाती हूँ। सुबह में इधर एक लाइन से चिड़ियाँ सब उड़ते रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखकर। और अभी बहुत ही अच्छा हवा भी यहाँ पे बह रहा है, तो अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर टहलूँगी, उसके बाद फिर नीचे जाऊँगी। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। यहाँ देखिए छत पर कितना सारा कबूतर है, मैं इसे थोड़ा सा दाना दे देती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से कबूतर सब सारा एक जैसा उड़ते रहता है देखकर। उधर भी है कबूतर, और उधर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी लग रहा है जैसे हल्का हल्का सा कोहरा की तरह। और इधर मेरा गर्म पानी चढ़ा हुआ है, सुबह सुबह मैं गर्म पानी पीती हूँ पहले, और उसके बाद गर्म पानी पीने के बाद फिर इसमें चाय बनाऊंगी। और इधर मेरा झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, और उधर डस्टबिन साफ करके दे दी हूँ। अब पहले पानी पीऊँगी, उसके बाद फिर चाय पीऊँगी, फिर थोड़ी देर मेडिटेशन करूँगी, देन कुछ करूँगी। तो अब मेरा चाय भी बन गया, जाती हूँ जल्दी से पहले पी लेती हूँ, उसके बाद फिर आशीष को उठाऊँगी, क्योंकि हम लोग को जाने का है और हम लोग को वहाँ जाने में भी टाइम लग जाता है, 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो आशीष का आज से ऑफिस है, तो उनको लेट नहीं हो जाए इसलिए मैं जा रही हूँ, उनको जगाऊँगी। तो आप लोग बने रहेगा ब्लॉग में, मिलते हैं। तो इधर मेरा चाय भी अब बन ही गया है, तो इसे मैं अब छान लेती हूँ, उसके बाद आशीष को जगाऊँगी, क्योंकि थोड़ा दूर है हम लोग जहाँ जाते हैं वो फूल वाला फेंकने के लिए। और आशीष का आज से ऑफिस भी है, तो वो उनको उठाऊंगी, वरना लेट हो जाएगा उनको। तो ये रात का समय और बिहार जाने के लिए मेरी पैकिंग हो रही है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक तरफ मैं पैक कर रही हूँ और एक तरफ खाना बना रही हूँ। तो क्योंकि अभी है 2 दिन टाइम, लेकिन कुछ छूट नहीं जाए। वैसे हम लोग ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, 1 ही सप्ताह के लिए जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ ले जाना है नहीं कपड़ा वपड़ा। फिर भी जो भी है मैं कर लूँगी, ताकि बाद में अगर कुछ भूल भी जाती हूँ तो याद रहे हाँ मैंने ये नहीं रखा है। इसलिए चलिए मैं आप लोग को, इधर मेरी पैकिंग चल रही है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और एक तरफ मैं खाना भी बना रही हूँ, चलिए वो भी दिखाती हूँ आप। और इधर आशीष ऑफिस कर रहे हैं, और चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। एक तरफ मैंने खाना भी चढ़ा दिया है, मतलब सब्जी मेरा बन गया है, अब रोटी बनाना है, वो भी जल्दी हो ही जाएगा। और इधर एक तरफ मैंने बंद गोभी का भुजिया बना लिया। मैंने आशीष के लिए चाय, और इधर कुछ नमकीन निकाल दी हूँ। आशीष का भी मीटिंग चल रहा है, तो वो बोले 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ, तब तक मैं अपना चाय पी लेती हूँ। और आशीष के लिए मुझे एक चेयर खरीदना है, वो व्हील चेयर, क्योंकि इसमें आशीष को दिक्कत होता है और उनके नेक में पेन होता है कभी कभी। तो डॉक्टर ने उनको बोला है कि आप अपना चेयर बदल लीजिए, वो वाले चेयर पे नहीं कीजिए। तो हम लोग वो आके खरीदेंगे, लेकिन वो ज़रूरी है, तो हम लोग देखते हैं आके, लेकिन वो हम लोग खरीदेंगे। मैं बहुत दिनों से आशीष को बोल रही थी उस चेयर के बारे में, लेकिन आशीष बोले थे नहीं मुझे इस पर हो रहा है, लेकिन अब वो बोले कि नहीं मेरे नेक में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर ने बोला है कि आप चेयर बदलिए और ठीक तरीके से बैठिए, तो वो ठीक हो जाएगा। तो चलिए मैं अब जल्दी जल्दी पैकिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से कुछ टाइम।